तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि IDFC बैंक का डेबिट कार्ड के लिए किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग क्या है या फिर आप ब्रांच पे जाके अकाउंट ओपनिंग क्या है और ब्रांच पे जाके अकाउंट ओपनिंग करने के बाद डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है और अभी आपको डेबिट कार्ड की जरूरत है तो किस तरीके से आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर अपना डेबिट कार्ड एक्सपायर हो चुका है रीइशू करना चाहते हो तो किस तरीके से आप डेबिट कार्ड को रीइशू कर सकते हो वो भी ऑनलाइन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड रीइशू या फिर डेबिट कार्ड ऑर्डर देने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे IDFC मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉग इन होना चाहिए तभी आप ऑनलाइन सारा प्रोसेस कर सकते हो। तो आप अगर ब्रांच पे जाके अकाउंट ओपनिंग क्या है तो आपको यहाँ पे IDFC बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप पे लॉगिन करना है ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए। तो किस तरीके से आप IDFC मोबाइल बैंकिंग ऐप पे लॉगिन करोगे ऑलरेडी एक वीडियो से इस वीडियो को जाके सारा डिटेल्स देख सकते हो। तो जैसा कि मेरा यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग ऐप पे लॉगिन है तो मोबाइल बैंकिंग ऐप पे सारा डिटेल्स देखते हैं। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो इसके लिए यहाँ पे हम आ गए हैं दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा IDFC बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप पे लॉगिन है तो हम इस ऐप को सबसे पहले तो ओपन कर लेंगे। आप अगर ब्रांच पे जाके अकाउंट ओपनिंग किया है IDFC बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप पे लॉगिन नहीं किया है तो आपको इस ऐप पे लॉगिन कर लेना है। किस तरीके से लॉगिन कर सकते हो ऑलरेडी वीडियो से उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पासवर्ड देके लॉगिन कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे पासवर्ड देके लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप न्यू डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर डेबिट कार्ड को रीइशू करना चाहते हो तो रीइशू करने के लिए या फिर न्यू डेबिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको जाना है अकाउंट वाला ऑप्शन पे। तो नीचे देखोगे यहाँ पे अकाउंट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और यहाँ पे बैंक बैलेंस देखने को मिल जाएगा कि अपना अकाउंट पे कितना बैलेंस है। तो आप अगर ब्रांच पे जाके अकाउंट ओपनिंग किया है ऑनलाइन डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे कार्ड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा तो कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अपना कार्ड आ जाएगा। या फिर आप डेबिट कार्ड को रीइशू करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड रीइशू करने के ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड है मेरे पास और ये कार्ड ऑलरेडी मेरे पास एक्टिव है, मैं इस कार्ड को यूज करता हूँ। तो आपके पास अगर डेबिट कार्ड नहीं है न्यू डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जनरेट पिन, आपको जनरेट पिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड पिन जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड पिन जनरेट कर लेंगे, री एंटर पिन कोड डाल देंगे, दोबारा से पिन कोड डाल देंगे, सेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना डेबिट कार्ड पिन सेट कर लेंगे। प्रोसेसिंग होकर कुछ इस तरीके से अपना डेबिट कार्ड पिन सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो अपना जो कि डेबिट कार्ड आ चुका है। तो यही डेबिट कार्ड अपना जो कि ऑर्डर हो जाएगा 6 या फिर 7 दिन के अंदर अंदर आपके पास डेबिट कार्ड डिलीवर हो जाएगा न्यू डेबिट कार्ड। तो इस तरीके से न्यू डेबिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप अगर डेबिट कार्ड को रीइशू करना चाहते हो, अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक कर चुके हो उस डेबिट कार्ड को रीइशू करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रीइशू करने की। तो रीइशू वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना लॉगिन पिन डालेंगे एंड लॉगिन पिन डालने के बाद अपना जो कि डेबिट कार्ड रीइशू हो जाएगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड मेरा एक्टिव है इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आया है रीइशू करने की या फिर पिन सेट करने की क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड एक्टिव है, इस कार्ड को मैं यूज करता हूँ। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके आप डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो या फिर रीइशू कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक है अगर आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर डेबिट कार्ड को रीइशू करना चाहते हो तो किस तरीके से रीइशू कर सकते हो मोबाइल बैंकिंग ऐप से। आप सारा डिटेल समझ चुके होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और इस वीडियो से फिर भी अगर कुछ भी सवाल हो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय।